मेन हमारा देवाल और समरोली के इलाके में छोटे बड़े पत्थर आए हैं, किन जगह पर मूव हो चुके हैं और कुछ बड़े पत्थर अभी हैं, मैनुअल मशीनरी अंजाम है। किसी जगह पर किसी पत्थर को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मशीनरी लगती है। एक आध जो मशीन की कमी वो भी आकर उस पत्थर को जिस तरीके से चाहे धकेल कर चाहे तोड़ कर उसको भी निकाल कर पूरे रोड को सुचारू रूप से हम खोल देंगे शॉर्टली। देखिए सबसे पहला तो ये है कि हमारा नेशनल हाईवे ट्रैफिक पुलिस का या ट्रैफिक पुलिस जेएनके का सबसे बड़ा उद्देश्य है एक्सीडेंट्स में कमी। उसके लिए चाहे यात्रा है, चाहे कॉमन पैसेंजर है, चाहे रूटीन ट्रैफिक है, हम ये चाहते हैं लोग ट्रैफिक कानून का पालन करें, हेलमेट वाला हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और जहाँ जहाँ अगर आपको बताया जा रहा है आगे पत्थर गिर गया है आप होल्ड करें, अगर आप रुकेंगे चाहे वो यात्रा है चाहे कोई भी पैसेंजर है, हम सब सेफ रहेंगे। और जैसे कि बारिश है कि आपने बात करी, इसका इम्पैक्ट अगर यात्रा पर है तो इसका इम्पैक्ट उस ट्रैफिक पर भी है, स्कूली बच्चों पर भी है, डेली पैसेंजर पर भी, जो रोज़ चलता है। तो हमारा मकसद ये है जो छोटा बड़ा पत्थर भी है उसको ब्रेकर मंगवा कर तुड़वा कर उसको भी दूर करेंगे। बट कोशिश आपके माध्यम से यही रहेगी कि लोग अगर ट्रैफिक कानून का पालन करेंगे, बरसात के मौसम में मैं चीज़ खास बोलूँ आपको, आप लाइट व्हीकल गियर में ट्रैवल ना करें, गियर अपना प्रॉपर रखें। और हेडलाइट अगर आपको धुंध आ जाए, हेडलाइट को आप लो बीम में रखें। अगर हाई बीम में रखेंगे धुंध से रिफ्लेक्ट होगा, आप ब्लाइंड हो जाएंगे। आप लो बीम में रखें और जहाँ जरूरत पड़े आप हजार्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें। और कहीं गाड़ी रोकनी पड़े आप इंश्योर करें, आप किसी भी हालत में गाड़ी को सड़क पर ना रोकें, आप इंश्योर करें कि आप गाड़ी को रोड के शोल्डर पर रोकें। आप भी सेफ़ रहेंगे और सब जनता सेफ रहेगी।